हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी इन डीप। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। सो बेसिकली मैनेजमेंट का मीनिंग होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी कंपनी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोल करती है अपने सारे रिसोर्सेज को। अब रिसोर्सेज के अंदर कंपनी के अंदर जो भी काम करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, कंपनी के पास जितना भी पैसा है, दैट इज फाइनेंस, कितना है कंपनी के पास जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं, ताकि कंपनी इन सारे रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से कंट्रोल करती है, यूटिलाइज करती है, ताकि कंपनी के जो भी स्पेसिफिक गोल्स हैं उसको कंपनी अचीव कर सके, इफेक्टिवली भी एंड इफिशियंटली भी। ठीक है, इसके अंदर कंपनी बेसिकली कोऑर्डिनेट करती है अपने सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो सारे डिपार्टमेंट्स आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं, ताकि कंपनी के जितने भी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स होते हैं उसको कंपनी अचीव कर सके एंड मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म तक स्टे कर सके। नाउ लेट्स कवर द अनदर सब टॉपिक ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज नीड्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट हमारी नीड होती है अचीविंग गोल्स। कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, वो एग्जिट ही इसलिए करती है ताकि जो भी कंपनी के गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको कंपनी अचीव कर सके। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज मैनेजमेंट की हेल्प से जो कंपनी होती है वो अपनी स्पेसिफिक गोल्स को सेट करती है, साथ ही साथ इसको भी इंश्योर करती है कि जितने भी डिपार्टमेंट, जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं कंपनी के अंदर, वो सब अपना काम अच्छे तरीके से समझ सके एंड अपने काम को समझने के बाद उसको अच्छे तरीके से यूज कर सके, ताकि कंपनी का जो भी कॉमन गोल है उसको कंपनी अचीव कर सके। अगर किसी भी कंपनी के अंदर मैनेजमेंट नहीं होता या फिर इम्प्रॉपर मैनेजमेंट कंपनी के अंदर है, तो वहां पे कहीं ना कहीं लैक ऑफ डायरेक्शन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है, सारे डिपार्टमेंट्स आपस में मिलकर अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी कंपनी का कॉमन गोल होता है उसको कंपनी अचीव नहीं कर पाती। नेक्स्ट वन इज इफिशियंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यानी कि किसी भी कंपनी के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना, उसकी कम से कम वेस्टेज करना और ना के बराबर वेस्टेज करना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी के रिसोर्सेज के अंदर बेसिकली कंपनी का जो टाइम है, जो मनी है, जो मैन पावर है, जो लोग वहां पे काम करते हैं, दैट इज मैन पावर होगी कंपनी की। तो हर एक कंपनी के पास टाइम भी लिमिटेड होते हैं, पैसे यानी कि फाइनेंस भी लिमिटेड होता है और मैन पावर यानी कि ह्यूमन कैपिटल भी लिमिटेड होती है। तो कंपनी किस तरीके से अपने टाइम, मनी, पावर को यूटिलाइज करेगी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैनेजमेंट जो होता है वो कंपनी को यही सिखाता है कि किस तरीके से कंपनी अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से मैनेज कर सके, उसको इफेक्टिवली तरीके से यूज कर सके, साथ ही साथ इस चीज में भी हेल्प करते हैं कि कंपनी को किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना चाहिए ताकि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जनरेट हो और कम से कम वेस्टेज हो। Another one is adaptation to change. जो business environment होता है वो constantly change होता रहता है। हमें पता है हमारा जो environment है वो uncertain है, कभी भी change हो सकता है, कुछ भी change हो सकता है। ठीक है, वैसे जो business environment है वो constantly evolve होता रहता है, change होता रहते हैं। इसके अंदर हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर कभी चेंज हो जाता है, कंपटीशन में चेंज आते हैं, मार्केट ट्रेंड्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, चेंज आते रहते हैं। तो जो मैनेजमेंट होता है वो कंपनी की हेल्प करता है कि किस तरीके से कंपनी अडैप्ट करेगी इन सारे चेंजेस को, अपने अंदर अडैप्ट करेगी, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करेगी और किस तरीके से कंपनी कॉम्पिटेटिव और रिलेवेंट रह सकती है अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन। नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन। जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी के अंदर, टीम्स होते हैं कंपनी के अंदर, उन सबको आपस में मिलकर काम करना चाहिए ताकि कॉमन गोल को अच्छे तरीके से अचीव करके रखा जा सके। नेक्स्ट वन इज जो मैनेजमेंट होता है वो काफी ज्यादा विटल यानी कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोऑर्डिनेट करने में आपस में सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में। डिपार्टमेंट्स के बीच में कैसे कोऑर्डिनेट करवाते हैं मैनेजमेंट, बेसिकली जो एफर्ट्स होते हैं उसको इंश्योर करते हैं, कम्युनिकेशन फ्लो को इंश्योर करते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट के बीच में कम्युनिकेशन स्मूथली रन होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ हर कोई अपने टास्क के थ्रू अलाइन हो, इस चीज को भी मैनेजमेंट इंश्योर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी, किसी भी मैनेजमेंट के लिए। जो मैनेजर्स होते हैं वो हमेशा एनालाइज करते हैं अपने डेटा को, रिस्क को एक्सेस करते हैं कि कितना रिस्क है किसी भी चीज के अंदर, फिर इन सब चीजों को करने के बाद वो इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं जो कि बेनिफिशियल होता है किसी भी कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर कंपनी के पास गुड मैनेजमेंट होता है, अच्छा मैनेजमेंट है किसी भी कंपनी के पास, तो कंपनी के जो डिसीजन होते हैं वो स्ट्रैटेजिकली मेड होते हैं और थॉटफुली मेड होते हैं, जो हेल्प करता है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव करने में। नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन। एक मोटिवेटेड वर्कप्लेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी और किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए। जो मैनेजमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि किस तरीके से हम अपने वर्क इन्वायरमेंट को काफी ज्यादा अच्छा बनाएंगे, ताकि जो हमारे इंप्लॉयज है, जो ह्यूमन कैपिटल वर्क करता है किसी भी कंपनी के अंदर, वो मोटिवेटेड रहे, साथ ही साथ वो किस तरीके से इंकरेज करेगा
किसको इंकरेज करेगा? इंप्लॉयज को इंकरेज करेगा, ताकि जो इंप्लॉयज है वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके टूवर्ड्स द कंपनी, ताकि कंपनी अपने गोल्स को अचीव कर सके। साथ ही साथ यहाँ पे कंट्रीब्यूशन भी होता है कि किस तरीके से मैनेजमेंट को कंट्रीब्यूट करना है, ताकि जो वर्क प्लेस और वर्क इन्वायरमेंट होता है किसी भी बिजनेस या कंपनी का वो पॉजिटिव रहे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सो फर्स्ट पॉइंट इज गोल ओरिएंटेड। जो मैनेजमेंट है वो फंडामेंटली फोकस करते हैं गोल्स को अचीव करने में, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। हर एक जो एक्शन होता है, जो कोई भी कंपनी एक्शन लेती है, कोई भी मैनेजर जो एक्शन लेता है विद इन द कंपनी, वो उसी तरीके से एक्शन लेता है ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स है कंपनी की, गोल्स है कंपनी के, वो अचीव हो सके, वेदर दे आर शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। नेक्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जो मैनेजमेंट है वो कभी भी वन टाइम टास्क या वन टाइम प्रोसेस नहीं होता, बल्कि एक कॉन्टिन्यूस और ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, जिसके अंदर कंपनी हमेशा रेगुलरली अपनी प्लानिंग करती है, ऑर्गेनाइजिंग करती है, लीडिंग करती है, कंट्रोलिंग करती है। बेसिकली कंपनी हर एक चीज दोबारा दोबारा से क्यों कर रही है? बिकॉज मैनेजमेंट के अंदर हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, हमारे वर्क डायनेमिक्स चेंज होते रहते हैं, हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। तो हमेशा कभी भी अगर आप वन टाइम टास्क करके रखोगे और उसी टास्क को हमेशा फॉलो करोगे, हमेशा सेम प्लानिंग पर चल रहे हो, सेम ऑर्गेनाइजिंग पर चल रहे हो, तो कभी भी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए रन नहीं हो पाएगी। हमेशा कंपनी को अपनी मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने प्लान को जनरेट करना चाहिए, स्ट्रैटेजिक प्लान बनाना चाहिए, ताकि कंपनी अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। साथ ही साथ कंपनी को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि उनकी ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग प्रॉपर तरीके से हो रही है, ताकि हर एक डिपार्टमेंट आपस में एक साथ अलाइन होकर काम करे। ठीक है, सो हमेशा एक ऑनगोइंग नेचर होता है, जिससे जो बिजनेस होते हैं, कंपनीज होती हैं, वो अडैप्ट और इम्प्रूव कर सकती है ओवर टाइम। नेक्स्ट वन इज मल्टीडिसिप्लिनरी। जो मैनेजमेंट होता है वो हमेशा वेरियस फील्ड्स को इंक्लूड करता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटिंग नॉलेज, प्रैक्टिसेस। यानी कि मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट इंक्लूड नहीं होता, बल्कि हर एक डिसिप्लिन का डिपार्टमेंट मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड होता है, और मैनेजमेंट इन सभी डिपार्टमेंट्स को आपस में अलाइन करवाता है, ताकि कंपनी के कलेक्टिवली जो गोल्स होते हैं, कॉमन गोल्स होते हैं, वो अचीव हो सके। नेक्स्ट वन इज डायनेमिक। जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट होता है वो हमेशा से डायनेमिक होता है। इसका ये मतलब है कि हम एडजस्ट करते रहते हैं चेंजेस को टूवर्ड्स द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। साथ ही साथ जो मैनेजर्स होते हैं वो भी फ्लेक्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं, ताकि वो नए नए चैलेंजेस को अडॉप्ट कर सके एंड नई नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सके बाय एनालाइजिंग द मार्केट कंडीशन। ओके, नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो अप्लाई करे जाते हैं अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन जो होती है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करती है, रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज, इंडस्ट्री और लोकेशन। यानी कि यहाँ पर हम साइज, इंडस्ट्री और लोकेशन को नहीं देखते, बल्कि जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह एप्लीकेबल होते हैं, हर जगह अप्लाई करने होते हैं। अब ये जो यूनिवर्सलिटी है, यही मैनेजमेंट को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बना देती है किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मैनेजमेंट के अंदर, दैट इज प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। तो जो मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है उसमें काफी सारे की फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, और ये सारे की फंक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि कंपनी सक्सेस अचीव कर सके। फर्स्ट वन इज प्लानिंग। सबसे पहला जो स्टेप होता है मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर वो होता है प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को सेट करते हैं। वो ये डिटरमाइन करते हैं कि कंपनी को क्या उनसे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है जो कि कंपनी को अचीव करना है, कंपनी का क्या शॉर्ट टर्म गोल है, क्या लॉन्ग टर्म गोल है, उसकी प्लानिंग करते हैं। साथ ही साथ वो फोरकास्टिंग भी करते हैं कि आने वाली फ्यूचर कंडीशंस कैसे हो सकती है, उसके बारे में थोड़ा बहुत प्लान कर लेते हैं। आइडेंटिफाई करते हैं कंपनी के अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज हैं और उसी के बिहाफ पर वो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। सेकेंड स्टेप इज ऑर्गेनाइजिंग। जब एक बार कंपनी अपनी प्लानिंग को कंप्लीट कर लेती है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग आता है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कंपनी जो होती है वो अपने रिसोर्सेज को अरेंज करती है और टास्क को अलाइन करती है, ताकि जो भी उनका प्लान है, जो भी उनके गोल्स है, वो कंपनी अचीव कर सके। ठीक है, इसके अंदर जो कंपनी होती है वो रोल्स को डिफाइन करती है, हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक इंडिविजुअल पर्सन को रोल देती है कि आपको ये काम करना है और इस तरीके से काम करना है। रिसोर्सेज को एलोकेट करती है ताकि अच्छे तरीके से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जनरेट हो सके, साथ ही साथ कम से कम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या करती है, एस्टैब्लिश करती है स्ट्रक्चर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड स्टेप इज लीडिंग। लीडिंग का बेसिकली मतलब होता है गाइड करना और मोटिवेट करना एम्प्लॉयज को, जो कि कंपनी के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। इसके अंदर जो कंपनीज होती है वो अपने सारे ह्यूमन कैपिटल को अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, उन्हें डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से उन्हें अपने टास्क कंप्लीट करना है। साथ ही साथ एम्प्लॉयज अगर कभी भी नर्वसनेस फील करते हैं या अच्छा फील नहीं करते, तो कंपनी की जिम्मेदारी होती है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एम्प्लॉयज को मोटिवेट फील कराया जा सके, ताकि जो एम्प्लॉय है वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जनरेट करे।
ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन को भी मेंटेन करते हैं, इंस्पिरेशन को मेंटेन करते हैं, एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट सेट करते हैं ताकि जो एम्प्लॉयज हैं वो अच्छे तरीके से काम कर सके, बिना किसी नर्वसनेस के, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी प्रेशर के काम कर सके पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट के अंदर। एंड इससे क्या होगा, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जनरेट होगी कंपनी की। फोर्थ स्टेप इज कंट्रोलिंग। अब जो कंट्रोलिंग फंक्शन होता है, बेसिकली इसके अंदर जो भी कंपनी के गोल्स हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको मॉनिटर करा जाता है कि कितनी प्रोग्रेस हुई है, ऑब्जेक्टिव्स कितने अचीव हुए हैं, कितने गोल्स अचीव हुए हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल्स हो या फिर लॉन्ग टर्म गोल्स हो। साथ ही साथ अगर कंपनी को लगता है कि कहीं भी रिक्वायरमेंट है एडजस्टमेंट को मीट करने की, तो कंपनी उसके बिहाफ पर एडजस्टमेंट मीट कर लेती है, ठीक है। मैनेजर्स होते हैं, वो परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद उसे कंपेयर करते हैं जो भी उन्होंने एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स बना रखे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपनी कंपनी ने कितने गोल्स अचीव कर लिया, कितना परसेंट स्कोर अचीव कर लिया गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है, और कितना उन्हें अचीव करना चाहिए था एज पर द प्लान। तो उसको क्या करते हैं, मैनेजर्स कंपेयर करते हैं कि कहाँ पर कमी आ रही है और ये कमी क्यों आ रही है। फिर उसको कंपेयर करने के बाद वो करेक्टिव एक्शंस लेते हैं ताकि ये इंश्योर हो सके कि कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी गोल्स हैं, उसको कंपनी मेट कर सके। फिफ्थ वन इज कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेशन का बेसिकली मतलब होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी के अंदर, वो आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट करें, साथ के साथ काम करें, ठीक है। अब इसके अंदर जो कंपनी होती है वो अलाइन करती है एफर्ट्स को, जो भी एफर्ट्स होते हैं डिपार्टमेंट्स के बीच में, वो सारे एफर्ट्स एक साथ लगने चाहिए, सारे एफर्ट्स आपस में अलाइन करने चाहिए। साथ ही साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए हर एक डिपार्टमेंट के बीच में, ताकि कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट मेड ना हो, यानी कि कंपनी जो है, सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं कंपनी के, वो आपस में एक साथ मिलकर काम कर सकें, बिना किसी कम्युनिकेशन गैप के काम कर सके, सबका जो एफर्ट है वो साथ में मिलकर चलना चाहिए। लास्ट वन इज इवैल्यूएटिंग। ये फाइनल स्टेप होते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस का। इसके अंदर जो कंपनी होती है वो इवैल्यूएट करती है कि क्या क्या आउटकम्स निकले हैं मैनेजमेंट एक्शंस के, और स्ट्रैटेजीज का क्या क्या आउटकम्स निकला है जो कि मैनेजमेंट ने सेट करा था। फिर उसको इवैल्यूएट करने के बाद उन्हें हेल्प मिलती है इस चीज को आइडेंटिफाई करने की कि कौन कौन से एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है जहां पर अभी भी कंपनी को इंप्रूवमेंट करने की नीड है, जहां पर वर्क करने की नीड है। फिर उसके बाद कंपनी जो होती है वो इन्फॉर्म करती है कि किस तरीके से उनकी फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए, फ्यूचर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, ताकि जहां पर भी उन्हें इंप्रूवमेंट करने की नीड थी वो उन्होंने मेड कर दी, तो उसके बिहाफ पर उनके फ्यूचर डिसीजन, फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उसको कंपनी बनाती है।